अध्याय 8। तीन दोस्त। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुद्र भी। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में, और देखो क्या हुआ। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। इंदु हरि कुमार। बातचीत के लिए, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्योंकि क्योंकि उन्हें और नए दोस्त बनाने थे। विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पे आपको लिखने हैं नारंगी वस्तुओं के नाम, यहाँ पे हरी वस्तुओं के नाम, यहाँ पे बैंगनी वस्तुओं के नाम। आइए कुछ बनाएं। मेज पर अखबार बिछा दीजिए। अलग अलग ग्लास कप में तीन रंगों को पानी में घोलिए, लाल, पीला और नीला। रंग की बूंदों को अखबार पर छिड़किए। अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाइए। आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं। सभी रंगों को मिलाकर देखिए कौन सा रंग बना। शब्दों का खेल। रंगों से नाम लिखिए। आ की मात्रा वाले रंग, जैसे आप लिख सकते हो हरा, नीला। बिना आ की मात्रा वाले रंग, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे बैंगनी, नारंगी। चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए, वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए। कुछ वाक्य भी लिखिए। इस बॉक्स में आपको वो चित्र बनाना है। जैसे हम बना देते हैं अपने पहाड़, यहाँ बना देते हैं पेड़, और यहाँ बना देते हैं हमारा झरना चल रहा है, और हमारे उड़ रहे हैं। तो ऐसे आपको जो भी आपको चित्र बनाना है वो आप बना दीजिए, और यहाँ पे वाक्य भी आपको लिखना है। चित्र और बातचीत। प्रकृति के रंग। अब आप बताइए, केले का क्या रंग है? पीला। इल्ली का क्या रंग है? हरा। और मिट्टी का क्या रंग है? भूरा। यहाँ पे देखिए हमारा भवरा है, यहाँ पे हमारा केचुआ है, ये हमारा सूरजमुखी का फूल है, ये हमारे बीज पड़े हैं, ये हमारा तरबूज है। तो ये हमारा अध्याय 8 कंप्लीट हो गया, तीन दोस्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नीचे ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।